दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र को लेकर औरंगाबाद में उत्सवी माहौल है। पहले दिन आज भक्त माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। आज सबसे पहले जलभरी के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई और बाद में पूजा स्थलों पर शुद्ध जल को भरकर कलश की स्थापना की गई। आज देवी मंदिरों पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और माता के दर्शन पूजन के लिए सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज के दिन कई भक्त उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विधि विधान से माता की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता आज भक्त जनों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। बारुण के मनरेगा भवन में आवास निर्माण एवं शौचालय के कार्य में प्रगति को लेकर डीएम राहुल रंजन महिवाल ने प्रखंड के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें निर्माण कार्य की जहां समीक्षा की गई, वहीं जल्द से जल्द निर्माण करने का निर्देश भी दिया गया। बाद में बालू घाट के संचालकों द्वारा ट्रैक्टर चलान पर अधिक राशि एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में बालू बेचने के चालान देने की कई लोगों ने शिकायत की, जिस पर जल्द से जल्द समाधान करने का डीएम ने आश्वासन दिया। अभी 7 नवंबर को दिवाली में गृह प्रवेश कराना है आवास के लाभुकों का, तो इनका अभी 30% आवास ही पूरा हुआ है, तो हमने बोला है कम से कम 60% ये करा लें इस महीने में। उतने लाभुक का भी अगर प्रवेश हो जाता है तो अच्छी संख्या है, बाकी का फिर बाद में बनेगा। ODF में इनके बचे हुए हैं 27-28% काम, तो अभी अगले
दो से अढ़ाई महीने ही बचे हैं, उसके बाद समय ही नहीं है हम लोग, और गति बढ़ाएं, मॉर्निंग इवनिंग फॉलो अप करें सभी जगह। पेमेंट की गति अगर बढ़ा देंगे तो उससे भी दूसरे लोग बनाने लगते हैं। जियो टैगिंग कर लें, 60-62-63% है, कम से कम 80% करना है इस महीने में। इसलिए आज हमने किसी पे कार्रवाई नहीं की है, केवल उनको अच्छे से समझाया है। फिर 15 दिन बाद इनकी समीक्षा करेंगे और ये चलता रहेगा अगले दो। हाँ, बालू में ज़्यादा रेट का आया है उसका लिखित आदेश निकालेंगे खनन विभाग से हम लोग, कितना रेट लेना है और वही रेट लिया जाएगा। औरंगाबाद की दंगल गर्ल ऋचा और विवेक ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम तथा दूसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ खुद को गौरवान्वित किया है बल्कि औरंगाबाद का परचम भी राष्ट्रीय पटल पर लहराकर यहां के लोगों को भी खुश होने का मौका प्रदान किया है। कोच उदय तिवारी ने बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद ऋचा ने 53 किलो भार वर्ग में प्रथम जबकि विवेक ने 65 किलो भार वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि कुछ कर गुजरने के दृढ़ निश्चय के आगे संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखता। जितने पे थोड़ा अच्छा लगा मुझे, अपने मेहनत पे थोड़ा गर्व हुआ कि हाँ मेहनत करते हैं, आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा प्रशिक्षण कुश्ती का दिया जाता है, ये हमारे कोच उदय तिवारी द्वारा दिया जाता है, ये हमें ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आगे हमारा ये राज्य स्तरीय के लिए अभी संघर्ष जारी है। नवम्बर में मेरा राज्य स्तरीय होना है। मगध यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मेरा सेकंड मेडल आ रहा है 65 kg भार के बारे में। जो मेहनत मैं किया उसका सफल मुझे सफलता मिली करेंगे। और मेहनत करेंगे, हम लोग की कोई सुविधा ना मिली अपने ही बल पर हम लोग ये अब मेडल ला रहे हैं जिला के लिए, जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हमारे यहाँ से 3 पहलवान जो औरंगाबाद के हिस्सा लिए, जिसमें से 2 पहलवानों ने एक ऋचा कुमारी जो प्रथम स्थान हासिल की 53 किलो भार वर्ग में और 65 किलो भार वर्ग में, विवेक कुमार द्वितीय स्थान हासिल किया। और यहाँ औरंगाबाद में व्यवस्था न होते हुए भी हमारे यहाँ के बच्चियाँ पहलवान और बॉयज विवेक छोटू ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन बिहार सरकार हमारी मदद करे तो कुश्ती हमारा जिला का काफ़ी आगे बढ़ेगा, देश स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा जिला का नाम रोशन होगा कुश्ती के क्षेत्र में। जन अधिकार पार्टी के नेता तथा सांसद पप्पू यादव आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। बाद में उन्होंने जा कार्यकर्ताओं से उनका हाल जाना और देश हित तथा समाज हित में जमकर कार्य करने के उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। संघर्ष जारी रहेगा, बिहार की आवाज़ है जन अधिकार पार्टी, बिहार की आवाज़ है हमारे नेता, हमारे वर्कर, गरीबों की ज़िंदगी के मुस्कुराहट के लिए हम लड़ने आए हैं, आम आदमी के न्याय के लिए हम आए हैं। इसीलिए न्याय की कोई समझौता हम धरती पर नहीं करेंगे। गुजरात जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भैया? एक तो बिनोद ट्यूटोरियल, हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, नामांकन जारी है, हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें। बिनोद ट्यूटोरियल, अनुग्रह मिडिल स्कूल के नजदीक, औरंगाबाद। औरंगाबाद के कपासिया के नल में पानी की मांग को लेकर सैकड़ों किसान आज सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुँचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों का कहना था कि एक पानी के अभाव में उनके धान की फसल सूख रही है, मगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिनों के भीतर नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। खेती करते हैं, तोड़ते खाते हैं, तो धान नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? कपस्या कनाल में कभी साहब लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं कि कपस्या कनाल में पानी जा रहा है, अभी तक 2-3 साल से नहीं जा रहा है। परो साल ऐसी मर गया, पुजारो साहब मर गए हैं, करते करते ऐसी मर रहे हैं।
पानी बिना पानी से तो जिंदगानी है, पानी नहीं रहेगा तो हम जी के का करेंगे। खाली जमीन के नहर खोद दिया समझे सर, पानी बिना हमको जाने जा रहा है, पानी से जिंदगानी है, पानी नहीं रहेगा तो जी के करेंगे का। बाल बच्चा सब वही में कॉलेज जी है, पूजा धार है, ये नहीं है तो फैक्ट्री तो औरंगाबाद में नहीं खुला है सरकारी की, उनमें जाके मंजूरी करें। आज पानी लाए थे तो बोलने कहाँ साहब सिपाही को साहब कहाँ मिल रहा है, आज वो वादा था 10 तारीख के कनाल में जाएगा पानी, कपसिया कनाल में जाएगा, तो फिर आए 10 तारीख के दिन दिए थे, फिर हमने बाले बच्चे आए हैं। क्या नाम हुआ? रामस्वरूप सिंह यादव। पानी हम लोग के एक पानी बाहर धान मर रहा है, इसलिए मान ले ली कि आज तक पर यहाँ के जो कोयल कनाल जो है आज तक कपसिया कनाल में कोई ध्यान नहीं, हम लोग जो भी हुआ सब वर्षा के पानी से हुआ, अब लास्ट में धान मर रहा है तो हम लोग आ रहे हैं कपसिया कनाल में पानी, मगर यहाँ ध्यान नहीं है, हम लोग किसान मर रहे हैं, सारा पूंजी लगा दिए खेत में, अब मान ले ली कि धान मर गया तो अब हम लोग का क्या कर सकते हैं, इस पर तो मान ले ली कि सरकार को ध्यान ही नहीं है, जब तक सरकार के ध्यान नहीं होगा उधर नली नहीं बंद होगा, चैनपुर जो बांध लगा दिया है चैनपुर बांध नहीं बिकेगा तब तक हम लोग का पानी थोड़े नहर में आएगा, प्रधानमंत्री सांसद विधायक कोई के ध्यान नहीं है कि कपसिया कनाल में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, और सबसे फर्स्ट में कपसिया कनाल आता है। अभी तो मुख्य समस्या इनकी है कि खेत में फसल खड़ी है पानी नहीं पहुंच रहा है, ये पानी के अभाव में परेशान है, यही इनकी समस्या है। उत्तर कोयल नहर से इनके खेत का पटवन होना है, नदी में पानी आधा रह गया है, इसलिए नहर में भी जलस्राव आधा है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रमंडल में 3-3 दिन पानी देने की व्यवस्था की गई है, आज 10, 11, 12 तीन दिन औरंगाबाद प्रमंडल को पानी जाना है, आज सुबह 6 बजे नवीनगर प्रमंडल का पानी बंद करके मुख्य नहर में जलस्राव खोल दिया गया है औरंगाबाद के लिए, तो पानी जा रहा है तो 3 दिन में इनके क्षेत्र में पानी उपलब्ध रहेगा पटवन के लिए। वर्षा की कमी है, पिछले 1 महीने से वर्षा नहीं हो रही इस क्षेत्र में, इसलिए पानी जो उपलब्ध है वही पानी जाएगा, उस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है कि आप उसके स्पीड को बढ़ा देंगे, पानी अपने गति से चलेगा और जितना पानी है उसी हिसाब से वो पहुंचेगा। आज के डेट में प्रशासन और अभियंत्रण विभाग दोनों मिलकर यह प्रयास कर रहा है, इसी संदर्भ में कल जिलाधिकारी औरंगाबाद के यहाँ भी बैठक हुई थी, उसमें उनको सिंचाई विभाग के तरफ से सारे क्रिटिकल पॉइंट्स दिए गए थे कि किस किस गेट पर प्रशासन का व्यवस्था जरूरी है जिससे कि नहर में ठीक से संचालन हो सके, और वो व्यवस्था प्रशासन के तरफ से भी है और हम लोगों के भी पदाधिकारी नहर पर दिन रात हैं। औरंगाबाद में एक ऑटो की ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से उस पर सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना NH2 पर बारुण थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। घायलों को आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां सबों का इलाज किया गया। हालांकि चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया है। हम बाटी मोड़ से आ रहे थे और हम बता रहे थे, वहां से टेम्पो आया ना, टेम्पो चल रहा था तो जाके ट्रक में धक्का मार दिया, वही से घटना हो गया। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा संचालन समिति द्वारा 12 अक्टूबर को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 8 लोकसभा क्षेत्रों की औरंगाबाद में होने वाली बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भव्य होगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ पहली बार आगमन हो रहा है और पटना से जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिला से जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी लोग हैं, सारे व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे और मुख्य रूप से इस बैठक का उद्देश्य यही है कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर तक हमारा जो योजना चल रहा है
जिस तरह का प्रदेश से निर्देश मिला है हम लोग बखूबी उसको निभा रहे हैं और अंतिम छोर बूथ स्तर तक हम लोग काम कर रहे हैं। उसी की समीक्षा के लिए खास करके लोकसभा के चुनाव के लिए ये सब बैठक रखा गया है जिसका पूरी तरह से हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं और आगे भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा जिसका हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। 12 तारीख को यानी परसों 8 लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा संचालन समिति की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी ने औरंगाबाद में रखा है। उसी के तैयारी के सिलसिले में आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बताने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।